अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिफॉर्म की शॉप के बाहर। ये अमीर आफ्ताब साहब इस दुकान के ऑनर हैं। पहले मैं आपको दुकान का विज़िट करवा दूँ, एक एक चीज़ दिखा दूँ दुकान के बारे में, उसके बाद हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा पैसे जो है लोग अपने बच्चों के ऊपर लगाना पसंद करते हैं। पसंद क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे लोग लगाते ही अपने बच्चों के ऊपर हैं। इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूर है, पर ये बहुत मुनाफा बख्श बिजनेस है। ये जनाब इनका कॉर्नर है, ये स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म पड़ी है इस कॉर्नर में, और इस तरफ ये क्या पड़ा हुआ है, ये टाइट्स वगैरह पड़ी हैं, ये टाइयाँ लटकी हुई हैं ऊपर, और ये शूज़ पड़े हुए हैं, और ये इनकी तीन गलियाँ हैं। ये मैं आपको एक, ये दो और ये तीन, इनकी दो ब्रांचेज हैं जी। ये इनकी पहली ब्रांच है, तीन ब्रांच हैं। अच्छा, माशाल्लाह तीन ब्रांच हैं जी, इनकी तीन ब्रांचें हो गई हैं, पहले दो थी। तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये सारे इनके यूनिफॉर्म पड़े हैं। ये इनके मैनेजर हैं जी इस दुकान के। तो आप मुझे साथ साथ बताते रहें कि कौन कौन से स्कूल का आपके पास यूनिफॉर्म है। ये जनाब घूम के हम, एक ये गली है इनकी, एक ये गली है, ये सेंटर वाली गली है इनकी। ये सारे जनाब इनके रैक्स बने हुए हैं, ये सारा यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है जी। और इन डब्बों में क्या रखा हुआ है जी आपने, इन डब्बों में दुपट्टे वगैरह, शीशे वगैरह इसमें हैं, और टाइयां वगैरह। अच्छा, ठीक हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं जी अमीर आफ्ताब साहब। ये माशाल्लाह काफ़ी मुल्कों में घूम के आए हैं, काफ़ी मुल्कों में ये रहे हैं। अब इन्होंने यूनिफॉर्म का बिज़नेस पाकिस्तान में शुरू किया, इनसे बात करते हैं। ये माइक ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आफ्ताब साहब, ये बताएं कितने अरसे से काम कर रहे हैं यूनिफॉर्म? तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो गए। तो कौन कौन से स्कूलों का आपने यूनिफॉर्म रखा? हमने OPF, बीकन हाउस, सिटी स्कूल, इस्लामा ग्रामर स्कूल, एलिमेंट्री मॉन्टेसरी स्कूल, IGSC, तकरीबन जितने भी हाई क्वालिफाइड इस्लामाबाद में स्कूल हैं सबको यूनिफॉर्म हम ही करते हैं। रूट्स स्कूल। अच्छा, सारे स्कूलों का जी। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा इस बिज़नेस को शुरू करना चाहता है तो उसको कितने सरमाए की ज़रूरत है? तकरीबन 3 करोड़ रुपए से स्टार्ट करना। 3 करोड़ रुपए। अगर कोई छोटा बंदा छोटे लेवल से शुरू करना चाहे? छोटे लेवल पे वो नीचे शुरू किया हुआ, उन्होंने चाहते 4 फुट की जगह पे। अच्छा। वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यूनिफॉर्म में ना हर साइज रखना पड़ता है, उसमें फुल भी रखना पड़ता है, हाफ भी रखना पड़ता है। कोई कस्टमर कहता है फुल दे दो, कोई कहता है हाफ दे दो, फिर स्वेटर भी होते हैं, फिर कोट भी होते हैं, और स्वेटर में भी फुल, हाफ, ओपन, तीन, मतलब बहुत बड़ा वो है सरमाए का। अगर कम सरमाए से तो उसको मतलब स्टार्ट कर दे कम से, लेकिन वो मुश्किल होती है, मुश्किल रहेगी। उसके बाद पैसे कितने होने चाहिए अगर स्टार्ट करना चाहे? मतलब स्टार्ट करेगा तो फिर अभी स्टार्ट करेगा तो मौसम 2 महीने बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, स्वेटर शुरू हो जाएंगे, फिर कोट शुरू हो जाएगा। ये तो मतलब के छोटे 50 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, कम से कम 50 लाख। तो इसमें आप बताएं मुझे क्वालिटी की, इसमें कैसे चेक की जाती है? मतलब कि वही कामयाब है जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। क्योंकि इस्लामाबाद में सब तकरीबन पढ़े लिखे लोग हैं, वो अच्छी चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं। तो आप अपनी परचेजिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें, आप ये कैसे परचेज करते हैं, कहाँ से परचेज करते हैं? मतलब जो समय बेस्ट कपड़ा होता है मार्केट में जी, मैं वो चाहता हूँ कि वही खरीदूँ, उसी को मार्केट में लोगों के लिए लगाऊँ अच्छे से अच्छा। कहाँ से करते हैं? परचेजिंग मुख्तलिफ जगहों से, कराची से भी है, इस्लामाबाद से भी है, फैसलाबाद से भी है, सब जगह से, जहाँ से अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिलता है। गुजरा वाले में सुना बनता है? गुजरा वाले में बनता है, लेकिन वो लेडीज़ का ज़्यादा होता है। अच्छा, ये अच्छा, माशाल्लाह आपने अमाउंट तो बहुत बड़ी बताई है यूनिफॉर्म के काम के लिए। इसमें प्रॉफिट मार्जिन की जो रेशो है वो कितनी? प्रॉफिट तकरीबन 30% होता है। 30% इसमें प्रॉफिट है। अच्छा, लेकिन इसमें एक सेट बैक ये भी है कि स्कूल वाले बगैर बताए ना यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं,
जिससे लाखों का नुकसान हो जाता है। ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला था, तो इसके बारे में आप खुद ही बता दें, तो इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? इसमें ये कि अगर आप स्कूल के मुताबिक चलेंगे फिर तो आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि स्कूल वाले बगैर बताए ना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, और यही बड़ा सेटबैक है इसमें। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इसके बचने का तरीका थोड़ा बनाएंगे, लेकिन वो फिर पेरेंट्स का दबाव ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा। वो लोग ज़्यादा लेंगे तो आप कहेंगे मेरे पास तो है नहीं, ख़त्म हो गया। तो इसके लिए कि स्कूल वालों को चाहिए कि कम अज़ कम कुछ लोगों का रहम करें, यूनिफॉर्म चेंज करने से पहले दो साल पहले तफरी में पहले बताएं। अगर एग्रीमेंट कर लिया जाए स्कूल, एग्रीमेंट कोई भी नहीं करता स्कूल वाला, एग्रीमेंट कोई भी नहीं करता, यानी इसमें एहतियात ही करनी चाहिए। एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन वो पेरेंट्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं। यानी कि जैसा इसमें प्रॉफिट अगर ज्यादा है, नुकसान का भी अंदेशा? जी, अंदेशा ज्यादा है। अच्छा, चले माशाल्लाह जी, इन्होंने यूनिफॉर्म के मुतल्लिक हमें इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसमें अब क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं ये आप हमें बता दें। मतलब हाई क्वालिटी की सबसे पहले फैब्रिक चाहिए जी, फिर अच्छी क्वालिटी की स्टिचिंग चाहिए जी, ये दो मेन चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। ठीक हो गया अभी, और जैसा कि अभी हमें अमीर अफ्ताब साहब ने बताया है कि इस बिज़नेस में प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छा है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लोग जो है सबसे ज़्यादा पैसे अपने बच्चों पर लगाते हैं। अब यूनिफॉर्म तो हर घर की ज़रूरत है, तो इस बिज़नेस को जो करना चाहे तो वो पहले ये सोच ले, एक तो उसको पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट भी अच्छा है और नुकसान का अंदेशा भी है अगर कोई स्कूल अपना यूनिफॉर्म चेंज कर देता है। इन सारी चीज़ों में मोहतात रहना चाहिए। तो मैं नहीं चाहता ऐसे किसी को मिस गाइड करूँ, कोई अपना पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके फंस जाए। प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, पर इसके लिए आपको जो है ना टेक्निक्स चाहिए, आपने कैसे चलना है, कितना का आपने स्टॉक रखना है अपने पास, कि अगर कोई स्कूल अपना यूनिफॉर्म चेंज भी कर देता है तो उससे आपको नुकसान ना हो, तो आप उसको बर्दाश्त कर लें। तो इनको पहले एक दो मरतबा इनके साथ ये इंसिडेंट हो चुका है, तो उसके बाद ये भी मोहतात रहते हैं, चेंज कर देते हैं, सभी स्कूल चेंज कर देते हैं। अच्छा उस्ताद साहब, आपने ये नहीं बताया कि वो चेंज क्यों करते हैं यूनिफॉर्म? वो चेंज पढ़ाई पे तवज्जो कम देते हैं और अच्छा। यूनिफॉर्म में तवज्जो ज़्यादा आवाम की लौटा देते हैं, पेरेंट्स के जो यूनिफॉर्म में फंसा देते हैं। अच्छा। तालीम इम्प्रूव नहीं करते अपने। अच्छा, जो लोग तालीम स्कूल इम्प्रूव करते हैं उनके यूनिफॉर्म देता है, या क्या एक यूनिफॉर्म चल रहा है उसको चलने? हाँ, चलने देना चाहिए, लेकिन वो ना जब तालीम पर तवज्जो नहीं देंगे ना, वो यूनिफॉर्म में तवज्जो देना शुरू कर देते हैं, ये चेंज करो ये चेंज करो, शायद स्कूल चल पड़े हमारा। ठीक हो गया। लेकिन मेन तो मकसद है तालीम अगर अच्छी करेंगे तो लोग तालीम हासिल करने बच्चों को भेजेंगे वहाँ पर, लेकिन यूनिफॉर्म चेंज करने से स्कूल स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता। ठीक हो गया। अभी जैसा कि अफ्ताह साहब बता रहे थे कि इस बिज़नेस के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, थोड़े पैसे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब मैं इनकी आइटम्स देख रहा था तो मैं वाकई मैंने सोचा, तो अब इसके अंदर जो है शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, सॉक्स हैं, टाई है, सर्दियां आ जाती हैं, जर्सियां आपको चाहिए और स्वेटर्स चाहिए, बुनियान चाहिए, और इसके अलावा और छोटी छोटी चीज़ें हैं, टोपियाँ हैं, ग्लव्स हैं, इसके अलावा कुछ जैकेट्स हैं, कोट्स हैं, ये पूरी आइटमें आपको सारी पूरी करनी पड़ती हैं। और फिर एक स्कूल तो नहीं है, काफ़ी सारे स्कूल हैं, ये तो एक स्कूल हो तो बंदा कहता है इसका मैं पूरा कर लूँगा। अब मुख्तलिफ स्कूल इन्होंने गिनवाए हैं, तो बिज़नेस अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें अच्छा है, पर इसमें जो है ना मोहतात रहने की ज़रूरत है, इसमें टेक्निक की ज़रूरत है कि आप इस बिज़नेस को कैसे चलाएँ। अपना फ़ोन नंबर बताना चाहें तो बता दें। शॉप का नाम है अल रहमान यूनिफॉर्म। अच्छा। हमारी तीन ब्रांचें हैं, एक ब्रांच एफेड मरकज में है। अच्छा। और एक ब्रांच जी 11 मरकज में है। फोन नंबर लिख दें। और एक ब्रांच हमारी G15 में है। मेरा फोन नंबर 0321-532-8630 है। अगर कोई फोन नंबर के मुताबिक पूछना चाहता है या रहनुमाई लेना चाहता है तो हम हाजिर हैं। यूनिफॉर्म के बिज़नेस के बारे में अगर कोई रहनुमाई लेना चाहता है तो ये मज़ीद उसकी रहनुमाई कर देंगे। इनका नंबर मैं रिपीट कर दूं, बता तो दिया इन्होंने, दोबारा रिपीट मैं कर दूं, 0321-532-8630। तो बहुत शुक्रिया अफ्ताह साहब, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे।